रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीन कहता हूँ व्यूअर्स ख़बर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तेरह रुकनी बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायस ईसा की सरबराही में मखसूस के केस की बराह रास्त इस वक्त समाप्त कर रहा है अब यह बड़ा वाजे होने लग गया चूंकि तेरह जजेस क्या बोलते हैं क्या दलाइल देते हैं क्या रिमार्क्स देते हैं किस को टोकते हैं किस को बोलने से रोकते हैं यह पाकिस्तान की ना लाइव अब देख रही है और कौन सा जज किसके साथ खड़ा है और किसने अपनी बरीक वारदात को छुपाने के लिए क्या कहा अब पाकिस्तान की आवाम को ये भी पता लग रहा है फैसल सदीकी और सलमान अकरम राजा साहब जो पाकिस्तान इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा आज जब भी बोलने की कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से उन्हें बार बार रोका गया टोका गया और बात आगे नहीं बढ़ सकी फैसल सदीक़ी साहब के दलाइल क्या थे आज अदालत के अंदर उन्होंने जस्टिस मुनीब जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसलों का हवाला दिया कि आज़ाद उम्मीदवार किसी भी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं एक पहलू जी इसका यह भी है कि मखसूस नशस्तें मुतनासब नुमाइंदगी के असूल पर होंगी यानी इक्वल प्रपोशन पर आप नुमाइंदगी देते हैं मिसाल के तौर पर अगर किसी जमात ने पचहत्तर नशस्तें हासिल की तो उसे इसी तनासब से जो मखसूस नशस्तें अलाट की जाएंगी ये नहीं हो सकता कि उसे उसकी जो नुमाइंदगी है जो पाकिस्तान की आवाम ने जो उसे मैंडेट दिया और जितनी नशितें वो इंतबात में जीतता है सिक्योर करता है उससे ज़्यादा नश्तें मिल जाएं जैसा कि मौजूदा हालात के अंदर हमने देखा कि फ़े को भी ज़्यादा नशितें मिली पाकिस्तान मुस्मून को भी ज़्यादा नशितें दी गई और इसके साथ साथ वमातें जो वो सीट्स जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की थी उन्हें दीगर जमातों में तकसीम कर दिया गया जैसे मालिक गनीमत हो दूसरा पहलू यह है कि यह नशिस्तें हर जमात की दी गई फहरिस्त पर होंगी तीसरा पहलू यह है कि हर जमात को अपनी जन नशस्त नशस्तों के हिसाब से ही ये नशस्तें आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद मिलेंगी हर आज़ाद एम एन एम पी ए का हक है कि वो जिस जमात में शामिल होना चाहे वो हो सकता है फिर वो ये भी कहते हैं कि मैं दिफा नहीं करूँगा पीटीआई का और सुन्नी तहाद कौंसल ने बड़ी गलतियां की मैं आपको ना पिछले छः माह से ये बात बार बार कह रहा था कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की वकला की टीम गलतियां करती है तो हमारे किसी दोस्त ने कहा जनाब आप इतनी कानूनी अगर बातें करते हैं तो जाकर आप तरीके इंसाफ का केस क्यों नहीं लड़ लेते आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वला पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत और सबसे बड़े बेंच के सामने अपनी गलतियों का इतराफ़ कर रहे हैं क्योंकि हुआ व्यर्ज ये है कि गलती बहुत बड़ी होगी है पाकिस्तान तरीके इंसाफ से जमात हमेशा से मौजूद थी लेकिन किसी के गलत मशवरे के बाद इन्हें कहा गया कि आप सुन्नी तहाद कौंसिल में शामिल हो जाएं और आज चीफ जस्टिस समेत वो जजेस जो पाकिस्तान इंसाफ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये गलती आपसे हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क क्या थे वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तरीक़ानसाफ अगर अब भी पोलिटिकल पार्टी का वजूद रखती है तो उन्होंने दूसरी जमात में क्यों शमूलियत अख्तियार की बिल्कुल सही सवाल है कि अगर आपका वजूद है तो आप दूसरी जमात में क्यों जाते हैं इस पर जो गलती की गई पाकिस्तान इंसाफ की तरफ से या ऐसे कहा जाए कि मिस गाइड किया गया अब की टीम की तरफ से क्योंकि प्रेशर था और बार बार इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि अब आपकी हैसियत नहीं रही अब आप आज़ाद कंसिडर होंगे तो इन्होंने आज़ाद हैसियत से बचने के लिए और मखसूस नशस्तों को सिक्योर करने के लिए सुन्नी इतहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की यही एक मुद्दा है जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने अब इन्हें साबित करना है अगर इस दलील को दुरुस्त मान लिया जाए तो आपने दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्यों की ये भी काजी साहब कहते हैं हम आइन और कानून के मुताबिक बात सुनेंगे हम ये नहीं सुनेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान इंसाफ से ज्यादती की आप सुनी तहाद के वकील हैं पाकिस्तान इंसाफ के नहीं काजी साहब मैं आपको एक बात याद करवा दूँ कि आप अगर ये रिमार्क्स देंगे ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के काम में इमरान खान मुदाखलत करते थे तो ये भी कोई किसी आयन और कानून में नहीं लिखा हुआ ये आपकी ज़ाती एक राय हो सकती है और अगर ये आपकी राय से हट कर आप बकायदा इस पर बिलीव करते हैं तो फिर आपसे भी सवाल किया जा सकता है ना कि बींग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ द कंट्री वो जो कुछ कर रहे थे वो आप कहां तक ये खबरें कहाँ तक कहाँ से पहुँचती और इसका इस केस से क्या ताल्लुक है क्या सबूत है आपके पास कि इमरान खान इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत करते थे आपने ये जो स्टेट स्टेटमेंट जारी की और आप ये समझते हैं कि दूसरे लोगों को आप आयन और कानून की बात कहें और ये कहें कि इलेक्शन कमीशन ने ठीक किया या गलत किया हम इसको नहीं सुनेंगे तो सरकार पाकिस्तान की आवाम ने आपका चेहरा देख लिया है आप कैसे काजी हैं ये भी पाकिस्तान की आवाम अब जान चुकी है फिर ये भी उन्होंने कहा कि हमने किसी सियासी जमात या हुकूमत के मफाद को नहीं आइन को देखना है हम ये नहीं देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन અને શું કિયા ક્યુ નહીં આપ દેખેંગે યે આપકા કામ હે આપકો દેખના પડેગા ક્યા আইন કી ધજિયા ઉડાઈ ગઈ ઇલેક્શન કમિશન ને ધજિયા ઉડાઈ એક જમાત સે ઉસકે બлле કા નિશાન ચીન લિયા જાતા હે ઓર આપ ભી કહેતે હે કે કન્સ્ટિટ્યુશન ઇદારા ગલતી કરેગા તો ઉસકી ગલતી પે પડદા ડાલા જાએગા আইন કો আইন આપકો ઓર જો ઇલેક્શન કમિશન હે ઉસે યે ઇખત્યાર deta હે empower કરતા હે કે આપને તમામ જમાતો કે સાથ એક જેસા سلوક karna hai lekin yahan par jis ain ka aap bar bar hawala dete hai na kai sahab isi ain ki आप ही की अदालत में और पाकिस्तान के तमाम जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और काजी साहब ये भी कहते हैं कि आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सदर थे आपने इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने तो इंतबा रुकवाने की कोशिश की इमरान खान मुल्क के वजाजम थे उन्होंने इंटर पार्टी इंतखबा नहीं कराए किसी पर ऐसे आप उंगलियाँ नहीं उठा सकते अब मसला यहाँ पर यह है कि इलेक्शन कमीशन जिनकी वकालत उनके वकील को करनी थी लेकिन काजी साहब उनकी वकालत कर रहे हैं और काजी साहब पाकिस्तान की आवाम ये देख रही है आपके लिए इलेक्शन कमीशन ज़्यादा मोतबर हो गया पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट आपके लिए मोतबर नहीं है एक ऐसी सियासी जमात जिसके पीछे पाकिस्तान की आवाम खड़ी है आप उस मैंडेट को तस्लीम नहीं कर रहे बल्कि एक फ़र्द वाद का जो मैंडेट है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आप उसको बार बार खेंच कर ले आते हैं और कहते हैं कि जनाब आप उंगलियाँ उठा रहे हैं मसला यहाँ पर यह है कि ये उंगलियाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर जहाँ पर उठाई जा रही हैं वहाँ पर उस फैसले पर इनके साथी जजेज इनके लेफ्ट राइट बैठ कर उंगलियाँ उठा रहे हैं कि बल्ले का निशान क्यों वापस लिया गया यानी आपने पाकिस्तान की आवाम को उनके जमहूरी हक़ से महरूम कर दिया और काजी साहब का इसमें हाथ था काइ साहब ने फिर ये भी कहा कि हमारा आइन ज़्यादा पुराना नहीं है हम इतने होशियार हैं कि आइन से हट कर अपनी असलाह निकाल लें मखसूस नशस्तों से मुतलिक आइन वाज है आइन से हट कर कोई भी जज फैसला नहीं दे सकता लेकिन कायि साहब आपने बहुत सारे फैसले आइन से हट कर दिए एक सियासी जमात और उसका निशान आपने छीना अब वो ये भी कहते हैं कि वक्त आ गया है कि आइन के मुताबिक ही मुल्क चले सर मुल्क को आइन के मुताबिक ही चलना था लेकिन आप जैसे जज साहिबान जब आइन की डिफरेंट तशरी करेंगे तो फिर मामला खराब होते हैं हम यहाँ पर बैठ कर और हमेरे जैसे वो तमाम इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो अपने प्लेटफॉर्म्स पर बैठ कर जो तनकीद कर रहे हैं यहाँ पर नहीं हो रही बल्कि आपके फैसलों और आपके बर्ताव जो आपने एक जमात के साथ किया उसके ऊपर ये तनकीद हो रही है फिर वो ये भी कहते हैं कि जब आइन वाज़ हो तो तशीरी की जरूरत नहीं है आम किताब है कोई भी समझ सकता है आइन की अहमियत है कोई भी आ जाता है जो चीज़ आइन में वाज है इस पर अमल करें सर अमल आपने करवाना है पाकिस्तान के अंदर उसी आइन ने उसी अदालत ने जिसके आप चीफ जस्टिस ना ये भी कहा था कि नबे रोज में इंतबात करवाओ तो आपने कहा कि यार अब नबे रोज में अगर इंतबाब नहीं हो रहे तो कौन सी अब क्यामत आ जाएगी और बा, बाकी लोगों ने भी ये बात कही और मुल्क के अंदर नबे रोज में इंतबात नहीं हुए आपके दरवाजे को आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा था इसलिए खटखटाया गया कुछ लोगों ने पाकिस्तान के आइनी इदारों को यमाल बना लिया इसलिए आपका दरवाजा खटखटाया गया काजी साहब और आज आप कहते हैं कि आइन पर अमल करें आइन पर अमल करवाने के लिए भी आपको रिट की ज़रूरत होती है जो इस वक्त इधारों की रिट नहीं है कुछ लोगों का कब्जा है और वो जमहूरीत को और जमूरियत ये जो जमूरी निज़ाम है इसके साथ खेल रहे हैं और हम सब ये तमाशा देख रहे हैं इस पूरे बेंच के अंदर तेरह रुकनी बेंच के अंदर अगर कोई चीफ जस्टिस के साथ लेफ़्ट राइट में जितने भी जजेस बैठे हुए हैं अगर कोई हीरो है तो मुझे जस्टिस अतरमिल्ला आज हीरो नज़र आए वो इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तान की जमूरी निजाम में जब जब भी मुदाखलत हुई है इसका जिक्र किया अपने रिमार्क्स के जरिए और अपनी कुर्सी पर बैठ कर आवाज बुलंद की है उन तमाम ताकतों के खिलाफ जो पाकिस्तान के जमहूरी निजाम को गिराना चाहते हैं विरजा अगर आप एटीज और नाइन्टीज की फिल्म उठाकर देखें तो राइटर ऐसे किरदार लिखता है जो माशरे में बुराइयों के खिलाफ लड़ रहा है माफिया के साथ टक्कर लेता है और उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं ना वो बेहसी की तस्वीर बनकर निजाम के ऊपर बोलते नहीं सिर्फ देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं और कोई कुछ कहता नहीं लेकिन एक ऐसा किरदार होता है जो इन बुराइयों से टक्कर भी लेता है और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाता है आज इस बेंच के अंदर बहुत सारे लोग बेबसी या बेहिसी की अलामत बनकर हमने उन्हें देखा लेकिन एक जज बोल रहा था जिसने फातिमा जना का जिक्र भी किया और पाकिस्तान के अंदर जमहूरीत में जब जब भी मुदाखलत हुई है अब इस जज को आप रोक नहीं सकते और ये जज अतरमिल्ला साहब हैं जिन्होंने आज हीरो का किरदार अदा किया क्योंकि आम आदमी ना जी इन फिल्म्स के अंदर अपने आप को रिलेट करता है उस हीरो के साथ कि यार कोई ऐसा मजिया आए कोई ऐसा हो कोई ऐसा रहबर हो जो हमें भी इन तमाम लोगों से निजात दिला सके और फिल्म में जिस तरह निजात मिलती है इसी तरह आज जस्टिस अतर मिल्ला भी हमें हीरो का जो उन्होंने अपने रिमार्क्स के जरिए जो एक शकल दिखाई है मेरा ख्याल है कि इनके लिए इससे बेहतर अल्फाज नहीं होंगे क्योंकि वो क्या कहते हैं अतरबिल्ला साहब ने कहा कि इलेक्शन पर सवाल उठाते हुए कि जो कुछ 2018 में हुआ वही आज हो रहा है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसिस नहीं की उन्हें उठा लिया गया ये बातें सबके इल्म में हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले इस अदालत के सामने आठ फरवरी के इलेक्शन से मुतल भी केस जेरल है क्या ऐसे हालात थे कि पी टी आई उम्मीदवारों को सुन्नी तहाद कौंसिल में जाना पड़ा क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ को पार्टी ना मानने वाले और ये जो ऑर्डर था इसके खिलाफ दरखास्त इसी केस के साथ नहीं सुनी जानी चाहिए चैम्बर अपील दायर ना करने से अहम तरीन मामला गैर मौसर हो गया यहाँ आवाम के हक़ पर डाका डाला गया फातिमा जना ने इंतबा में हिस्सा लिया तो तब भी आवाम से हक छीना गया मुकम्मल सच कोई भी नहीं बोलता देखिए अब ये तमाम बातें आम आदमी की बातें हैं ना कि आपने बल्ले का निशान छीन लिया आपके सामने काजी साहब एक दरख्वास्त पड़ी है आप उसे उस दरख को सुनना पसंद नहीं करते और कहते हैं अच्छा मेरे पास बल्ले का निशान के हवाले से कोई इंट्रा पार्टी जो इंट्रा कोर्ट अपील आई हुई है आपने आंखें कर ली ये आम आदमी का सवाल है इस मुल्क के के अंदर जब भी ऊपर खून मारा गया यह सवाल पाकिस्तान की अदालतों से ही होगा ना बेहिसी की तस्वीर बने बैठे वो यह आवाज अब अतल मिला ने उठाई इसीलिए मैंने आज उन्हें हीरो जज कहा क्योंकि उन्होंने आम आदमी की बात की है आम आदमी आज अपने आप को काजी फाइज़ ईसा से रिलेट नहीं करता बल्कि अतरमिल्ला से अपने आप को रिलेट कर रहा है क्योंकि आज उन्होंने वो बातें कही हैं जो किसी के पास करने की हिम्मत नहीं है आंखें बंद कर कर ये सब लोग तमाशा देख रहे हैं आठ फरवरी को क्या हुआ उससे पहले क्या होता रहा काजी फाइज ईसी की अदालत में अतरमिनला ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है दो फरवरी दो को इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के इंती निशान वाले फैसले की गलत तश्री की एक अदालती फैसले की गलत तश्र का खुमाजा आवाम क्यों भुगते अदालती फैसले की गलत तश्रह को दुरुस्त किया जाना चाहिए यही बात है ना लेकिन काजी साहब ये कहते हैं कि मेरे फैसले ठीक हैं मेरे फैसले असली और नस्ली फैसले यह नारा काजी साहब की तरफ से लगाया गया है लेकिन ना ही ये असली फैसले हैं और ना ही ये नस्ली फैसले हैं आने वाली नस्लें आपको इन फैसलों को याद करा करा कर आपको शर्मिंदा करेंगी और मौरख भी जब तारीख लिखेगा उसमें सवाए शर्मिंदगी के आपके लिए कुछ नहीं होगा सलमान अकरम राजा साहब के दराई जी बहुत ही अहमियत के हामिल थे इन्हें भी बोलने नहीं दिया गया मैंने पूरी समाज सुनी है वो बोलते थे कादी साहब रोकते थे वो बोलते थे फिर रोका जाता अदालतें कादी साहब ऐसे नहीं चलती आपने अगर आपके सामने कोई साइल खड़ा है तो आपको उसकी बात को सुनना पड़ेगा आपने बल्ले के निशान में आठ दस लोग थे आपने बारी बारी सबको बुलाकर पूछा हाँ भाई कहाँ से आए हो उसने नाम बताया कैसे आए हो उसने अपना मकसद आने का बताया आप इलेक्शन लड़ना चाहते थे जी बिल्कुल लड़ना चाहते थे कोई तहकीक नहीं हुई कोई किसी किस्म की यह भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई कि जो सामने आपके खड़ा है उसे आप कम अज़ कम बयान हल्फी तो ले लेते आज मुल्क के अंदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के तीन दफ़ा पार्टी इलेक्शन हो चुके कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने के हवाले से बातें की ये पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात को दबाने के लिए कुछ सब कुछ किया गया सलमान अकबर राजा की दलाइल गौर कीजिएगा वो ये कहते हैं जी कि मेरी दलाल आईनी तशरीह वाले मामले पर फैसल सदीकी से मुख्तलिफ है मेरी राय में किसी प्रोग्रेसिव तशरी की जरूरत नहीं है आयन की लैंग्वेज ही किसी भी सियासी जमात में शमूलियत का कहती है पार्लिमानी पार्टी का नहीं इंतबी निशान वापस हो गया तो मखसूस नशस्तें नहीं मिलेंगी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों ने मजबूरी में सुन्नी इतहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की मजबूरी हो तो क्या आयन और कानून को नहीं माना जाता देखें मसला यहीं भी यही था ना कि आप अगर आज़ाद हैसियत में गए और आपने आप किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में नहीं उतारते तो फिर आपके साथ क्या सलूक होगा सलूक ये होगा कि आपको मखसूस नशस्तें नहीं मिलेंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट था उसे कम करने की एक साजिश थी और इसमें पाकिस्तान तहरीक के जैसे उन्होंने कहा कि सीनियर काउंसल्स की तरफ से कहा गया उनका ये गलत फैसला था मैं ये नहीं कहता कि वो शामिल थे किसी के साथ मिले हुए थे लेकिन जजमेंट गलत हो गई और अब इसका खमियाजा पाकिस्तान तहरीक को भुगतना पड़ रहा है फिर सलमान अकरबराजा ने यह भी कहा क्या इनका मकसद पार्लियामेंट को किसी सियासी जमात से नुमाइंदगी करवाना है जस्टिस मुनीफ साहब बोले और उन्होंने कहा सबसे अहम तरीन बात उनकी तरफ से जो कही गई कि के इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यानी उसके उसके तनाजर में आजाद उम्मीदवार करार दिया और ये एक बहुत ही खतरनाक तशरी है यानी बल्ले का निशान नहीं मिला काजी साहब का ये फैसला था उसके तनाजुर में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि क्योंकि आपके पास बल्ले का निशान नहीं है लिहाजा आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए बल्ले का निशान आपसे हम वापस लेते हैं उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने दिया जिसके बाद इन तमाम जो लोग पीटीआई से जुड़े हुए थे क्योंकि उनके पास निशान नहीं था इसलिए उन्हें आजाद डिक्लेयर कर दिया गया यही वो गलती है जो चीफ जस्टिस बार बार छुपाने की कोशिश कर रहे हैं चीफ जस्टिस क्या चाहते हैं चीफ जस्टिस ने वाजे तौर पर अपना माइंड बता दिया जी चूंकि सुन्नी इतिहाद कौंसिल ने लिस्ट जमा नहीं कराई लिहाजा उन्हें नशस्तें नहीं मिल सकती आज समात में जस्टिस मंसूर ने यह कहा कि सुन्नी तहाद कौंसिल को सियासी जमात मान लें तो कौन सा आइनी असूल और उसकी खिलाफ वर्जी हो जाएगी चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि आवाम को पता होना चाहिए कि कौन सी सियासी जमातें ही इस वक्त मैदान में हैं या उनका मंशूर क्या है चीफ जस्टिस को मालूम ही नहीं कि बल्ले पर नज़रसानी केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जी मौजूद है चीफ जस्टिस काजी फैजीसा जब तेरह जनवरी बल्ले के निशान के केस के फैसले से मुतलक वजाहत दे रहे थे तो फैसल सदीकी ने कहा कि मैं बात मैं इस हवाले से बात नहीं करूँगा क्योंकि नज़रसानी दरख्वास जेलवा है जिस पर हैरानकन तौर पर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि मुझे तो ये भी मालूम नहीं है कि नज़रसानी दरख्वास दायर हुई है वहाँ बैठे हामिद खान साहब भी नज़रसानी दायर होने की तस्दीक गुजशत समात पर बात करते हुए उन्होंने की जस्टिस अतरमिल्ला ने याद दहानी कराई थी कि नजरसानी जेलवा है इसलिए इस हवाले से बातचीत मत की जाए लेकिन काजी साहब आपके लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम एक स्लो क्लैप करेगी चूंकि यह आपकी अदालत है आपकी अदालत में मुदाखलत होती है जजिस को धमकाया जाता है उनके एक बेडरूम से कैमरे लगा दिए जाते हैं उनकी प्राइवेट लाइफ को कहीं रिकॉर्ड किया जाता है ताकि ब्लैकमेल किया जा सके और आप कहते हैं कि मेरे दौर के अंदर किसी किस्म की मुदाखलत नहीं हुई खुदा की कसम आपने पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान की अदालती निज़ाम को रसुवा किया पाकिस्तान की आवाम आपकी अदालत की तरफ देख रही थी लेकिन अब वो उससे बड़ी अदालत जो अल्लाह की अदालत है उसकी तरफ देखेगी चूंकि निज़ाम जितना आपकी वजह से खराब हुआ है ना ये पाकिस्तान में डिक्टेटर्स ने भी निज़ाम खराब नहीं किया गलती हुई अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा ना कि उस गलती को रोका जाए जो गलती हो रही है अदलिया की आज़ादी की तहरीक क्या थी एक आमिर ने एक चीफ जस्टिस को घर भेज दिया उसके साथ साठ जजेस को जो है आ, उनकी अदालतों से उठाकर बाहर फेंक दिया और कहा गया कि उठाओ हल्फ पी के मुताबिक लेकिन किसी ने हल्फ नहीं उठाया यही जंग थी ना लोग सड़कों पर निकले आइन की हुक्मरानी के लिए कानून की हुक्मरानी के लिए लेकिन आप जब आपके घर पर बात आती है तो आप टहलते टहलते अपनी जो सफ़ेद बिल्डिंग है उसके बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और कोई आप पर इल्ज़ाम लगाए तो आप उसकी बाकायदा तौर पर एकप्लिनेशन भी देते हैं लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की आवाम के पर डाका डाला गया जमहूरियत पर शब खुन मारा गया लेकिन आप यह कहते हैं कि जनाब उंगलियां उठाई जा रही हैं सर यहां पर उंगलियां उठाने की बात नहीं है इस मुल्क के अंदर जुल्म रहा है और इस के के अंदर आप बराबर के शरीक हैं अब इलेक्शन कमीशन का फैसला जी मअतल हो गया मैं आपको यह भी खबर दे दूं यह खुशखबरी है पाकिस्तान की आवाम के लिए और इसलिए चूंकि अब फॉर्म सैतालीस की हुकूमत के जाने का वक्त हो गया है बड़ी कोशिश की इन लोगों ने कि फॉर्म सन्तालीस वाली हुकूमत किसी तरह बच जाए लेकिन वो तमाम जो असली मुंशि मुझे याद है जी एतजाज साहब की एक नजर थी कि असली मुंशिक फिर आएंगे जनाब असली मुनशिफ बैठ गए हैं असली मुनशिफ बैठ गए हैं और अब इंसाफ होगा और इन लोगों को लग पता जाएगा जो इस निजाम को कंट्रोल करना चाहते हैं जी नून लीग की तोहिनी अदालत का नोटिस लिया गया इस्लामाबाद के तीनों हलकों पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना लिया गया जी और इस ट्रिब्यूनल में जस्टिस तारिक महमूद जहांगेरी साहब जो थे वो समाप्त कर रहे थे और ये ट्रिब्यूनल इलेक्शन कमीशन की मर्जी के मुताबिक बनाया क्या लेकिन जब उसने केस सुनना शुरू किया तो फॉर्म सैंतालीस के हवाले से आपकी कुछ रिजर्वेशन थी अदालत ने फॉर्म पैंतालीस मांग ली ताकि चेक किया जा सके कि सैंतालीस और पैंतालीस हालांकि दो डिफरेंट नंबर्स हैं लेकिन क्या ये मुताबकत रखते हैं इनमें जो कुछ लिखा हुआ है नू लीग के पास फॉर्म पैंतालीस नहीं थे और मुस्फा नवाज खोकर साहब ने जो रही सही खसर, कसर थी वो निकाल दी और उन्होंने अपना फॉर्म पैंतालीस सामने रख दिया और जब इसको कंपेयर किया गया तो पता लगा कि जो फॉर्म पैतालीस पी के हमायत याफ्ता उम्मीदवार के पास थे वो और खोकर साहब के आपस में मैच कर गए लेकिन दूसरी तरफ जब इनसे सवाल किया गया नू लीग वालों से कि जाओ जाकर तुम भी फॉर्म पैतालीस लेकर आओ तो इन्होंने अदम इतम कर दिया जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर नू लीग तीनों इस्लामाबाद के रहनुमाओं ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर अदम एतमाद किया उन पर जानेदारी का इल्जाम लगाया और इस पर ट्रिब्यूनल को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया इलेक्शन कमीशन ने जी जस्टिस जहांगेरी को ट्रिब्यूनल से तब्दील कर दिया और एक रिटायर्ड जज शकूर के पास इस केस को भेज दिया इस जज ने पीसीओ के तहत जी हल्फ उठाया और उन पर करप्शन के इल्जाम थे जिस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया अब ये नून लीग जो दावे करती है ना कि अदली आजादी में जी हमारा भी हाथ है आज आप ही की हुकूमत ने आप ही के इलेक्शन कमिश्नर ने जो आपकी हुकूमत के अंडर काम कर रहा है उसने एक ऐसे जज को आ, इस केस पर को मुंतकिल किया और इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जज लगाया जो पी सी ओ जज था जिस पर करप्शन के इल्जाम थे कहां गई आपकी वो गैरत और वो पॉइंट स्कोरिंग जो आप हमेशा से करते रहे कि अदलिया को आजाद कराने में हमारा हाथ है ऐसा जज जो है वो लगाया गया पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जी इसको इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शामिर फरूक इस केस को सुन रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ट्राइब्यूनल तब्दील तब्दीली का ऑर्डर जो है वो मुतल कर दिया है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बहाल कर दिया अब केस की जो समात है वो नौ जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है सबसे इंटरेस्टिंग आज काम क्या हुआ है नून लीगे रहनुमा को तोहिन अदालत का जी नोटिस हो गया है चीफ जस्टिस ने समात के दौरान हुकूमत की जानब से इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतलिक ऑर्डिनेंस जारी करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया चीफ जस्टिस ने अहम रिमार्क्स दिए सर आज आपने भी पाकिस्तान की अवाम का दिल जीत लिया बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते लेकिन चले खैर कुछ तो ठीक हुआ उन्होंने रिमार्क्स देते हुए क्या कहा कि इलेक्शन कमीशन बताए कि जज कैसे जानेदार है अदालत ने अंजुम अकील को इलेक्शन कमीशन में अपना जवाब जमा करवाने का कहा और फिर जो बयान हल्फी था इसे इसे पढ़ने की हदायत करते हुए कहा कि अदालत समझना चाहती है कि नेपोटिज्म क्या होता है इसका मतलब अदालत को समझाया जाए कि आपने दरखास्त इसलिए दी कि जज ने कोई सिफारिश नहीं मानी आपने सिर्फ इतना बताना है कि दरख्वा क्यों दी आपने जानबूझकर कर इलेक्शन कमीशन को एक दरखास्त दी अंजुम मकील ने जवाब दिया कि ये कानूनी अल्फाज हैं यानी नेपोटिज्म और वो अदालत से गैरमशहरू माफ़ी मांग लेते हैं चीफ जस्टिस ने इसका आगे से जवाब दिया जी कि नेपोटिज्म बिल्कुल भी लीगल अफज नहीं है आपने पढ़े बगैर क्या बयान हल्फी पर दस्ख किए इस पर अंजुम वकील ने ये कहा अदालत के सामने मौक़ रखा कि जनाब बिल्कुल ऐसे ही हुआ मैंने बयान हल्फी को नहीं पढ़ा था जिसके बाद मैंने इससे दस्तखत कर दी और मैं अब आपसे माफी मांगता हूँ इस्लाबाद हाई कोर्ट ने अंजुम अकील को तोहिनदार का नोड़, शोकाज नोटिस जी जारी कर दिया है दो मजदीद हल्के भी खुल गए हैं जी मैं आपको ये भी खबर दे देता हूँ और ये बुरी खबर है मरीम नवाज के लिए पंजाब में क्योंकि अगर ये फैसला पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हक़ में आ गया ना तो याद रखिएगा मरीम नवाज ना सिर्फ अपनी हुकूमत से जाएंगी बल्कि वह नााहल भी हो जाएंगी चूंकि सवाल है बयान हल्फी का और अदालत अब मांग रही है बयान हल्फी दो मजीद हल्के जी खुल गए मेजर ताहिर सादिक एन ने एचास अटक और ईमान ताहिर सादिक एन ने पचास अटक से के हल्कों से केस की समाप्त हुई है और राउुलपिंडी बेंच का जो ट्रिब्यूनल है उसने नू लीग के जो शेख आफ्ताब और मलिक सुहेल को यकम जुलाई को तलब कर लिया है नोटिस अखबार और पी टी वी के जरिए उम्मीदवारों को आगा करने के हवाले से हदायत भी जारी की गई है अब जी लाहौर के हल्के की बात भी मैं आपके सामने रख देता हूँ और लाहौर के हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने समाप्त की इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन से फॉर्म छियालीस और पैंतालीस और सैतालीस के फर्म जो फॉर्म्स थे उनकी मुसदका नकूल और रिकॉर्ड और बयान हल्फी के साथ इसे तलब कर लिया है हल्का एन ए एक सौ अठारह से हमजा शहबाजन जी आलिया हमजा उनके मदे मुकाबल थी एन ए से अब्दुल अलीम खान उनके मुकाबले में अली एजाज बुटर हैं हल्का पी पी वन फाइफ नाइन से मरीम नवाज़ और महर शराफत अली हैं और एन ए एक सौ अट्ठाईस से ओन चौधरी और सलमान हकम राजा हैं और पी पी वन फोर नाइन से शुएब सदीक़ी और जीशान अहमद और अब सवाल है कि मरीम नवाज क्या नाहल होंगी दिलचस्प बात बातव्यर्ज़ ये है कि अगर बयान हल्फी उम्मीदवारों ने जमा कराया और हकीकत में बयान हल्फी झूठा निकला ट्रिब्यूनल ने बयान हल्फी के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया तो फिर ये मामला आर्टिकल बासठ और तिरसठ पर चला जाएगा और मरियन नवाज से वजारत आला तो जाएगी उसके साथ साथ नू लीग के तमाम उम्मीदवार पांच साल के लिए नाहल भी हो जाएंगे ये आज का हमारा शो था नू लीग की तरफ से मुतालबा कर दिया गया है जी कि इलेक्शन दोबारा करवाए जाएं इस पर अगली वीडियो में बात होगी क्योंकि वक्त काफी हो गया है इजाजत दीजिए अल्लाह के बाद